नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रशांत अद्वैत संस्था के संस्थापक एवं पूर्व सिविल सेवा अधिकारी आचार्य प्रशांत ने ऋषिकेश में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में काल अर्थात समय की वैधानिक व्याख्या की। इस कार्यशाला में भारतवर्ष के अनेक राज्यों से आए जिज्ञासुओं ने भाग लिया। इस दो दिवसीय कार्यक्रम का लाभ विदेशों में भी ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है। आचार्य प्रशांत ने कहा कि समय के प्रभाव का विज्ञान समझना पड़ेगा, विचार और समय के बीच का संबंध साफ साफ देखना होगा, तभी हम जीवन के सबसे बहुमूल्य संसाधन समय का सम्यक उपयोग कर पाएंगे। आचार्य प्रशांत ने कहा कि सही केंद्र के उठे कर्म को प्राथमिकता देना समय के प्रबंधन का एक बहुत प्रभावी तरीका है। उन्होंने कहा कि हम भूल जाते हैं कि हमारे पास सीमित समय है और इस भूल के फलस्वरूप हम जीवन को गलत कर्मों और निर्णयों से भर देते हैं और सही कर्म को सतत टालते रहते हैं। आचार्य प्रशांत ने कहा कि समय के महत्व को पहचानना जरूरी है। विचार, कल्पनाएं, मान्यताएं सभी अतीत के मुद्दे हैं। जीवन को सही दिशा देने के लिए भ्रम से बाहर निकलना होगा, तभी ऊंची चुनौती से जूझा जा सकेगा, अन्यथा छोटे छोटे मुद्दों में उलझकर अपना जीवन व्यर्थ कर बैठेंगे। उन्होंने वर्तमान का वास्तविक अर्थ समझाया और कहा कि कैसे सब कुछ लगातार बदल रहा है और कुछ भी कभी स्थिर नहीं है। प्रशांत अद्वैत संस्था का संस्थापक एवं पूर्व सिविल सेवा अधिकारी आचार्य प्रशांत ने और क्या कुछ कहा, खुद ही सुन लीजिए। ऋषिकेश से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। संगति, सही संगति, कुछ आवश्यक नहीं है कि सत्संग से भी हो जाएगा, पर वो एक कैटलिस्ट का काम करता है कि क्या पता हुई है। हमने कहा ना कि ज्ञान तभी हो सकता है जब पहले क्या हो, प्रेम। और प्रेम के लिए हमने दूसरा नाम दिया था साहस। हमने कहा था उसका कोई फॉर्मूला हमें पता ही नहीं, वो कहां से लाएं। ज्ञान तो पता है, ज्ञान आपको सूत्र बता दिए जाएंगे, पर ज्ञान आप तक पहुंचे इसके लिए आवश्यक होता है। और प्रेम का कोई सूत्र होता ही नहीं कि किसी में प्रेम कैसे उठाए, तो प्रेम का सूत्र नहीं होता, पर प्रेम का कैटलिस्ट होता है जो जो उत्प्रेरणा दे सकता है प्रेम को। और वो उसका क्या नाम होता है, सत्संग। कि कोई आपके सामने आ गया, कैसे इनकार करोगे कि वो नहीं है, कैसे कह दोगे कि तू तो है ही नहीं, उसकी हस्ती ही प्रमाण बन गई है। अब तुम इनकार कर पाने का रास्ता बंद हो गया ना भाई। साहस जब नहीं होता है तो आप क्या तर्क देते हो, कायरता का तर्क क्या होता है, और प्रेम का, अप्रेम का भी क्या तर्क होता है, कायरता का और अप्रेम का तर्क क्या होता है, संभव नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या ऐसा करेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये तर्क होते हैं ना। अब सत्संग का मतलब होता है कि आप किसी ऐसे के सामने पहुंच गए जो सप्रमाण अपनी हस्ती को लेकर खड़ा हो गया, कह रहे बताओ बताओ, अब क्या ऑब्जेक्शन, आपत्तियां गिनाओ। अब क्या आपत्ति गिनाओगे, आपने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, वो क्या बोल रहा है, हाँ कैसे नहीं हो सकता, हम खड़े हैं ना। अब तर्क इधर उधर फिर बगले झांकने लगता है, क्या तर्क होगा। वही बात साहस पर लागू होती है। आप बोल रहे हो नहीं नहीं दुश्मन बहुत ताकतवर है, दुश्मन यही है, यही और कहीं दुश्मन नहीं है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।